शोर है, शोर है, गली गली में शोर है, चोर है, चोर है, गली गली में शोर है, चोर है। गली गली में शोर है, सुपर टेक चोर है के नारे गूंज रहे हैं। जंतर मंतर पाई पाई भरेगा, अब होके रहेगा होम बायर्स का एक ही रोड़ा, आर के अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, नो कॉस्ट एक्सेलेशन फ्रॉम होम बायर्स और वाईजी स्टेट हाउस में आओ, अवैध वसूली बंद करो के नारे लगातार ये लोग लगा रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं भारत के टैक्स पेयर, जिसके टैक्स के पैसे से हमारी इकोनॉमी चलती है, हमारा देश चलता है, और अपने घर के लिए पाई पाई जोड़कर, एक एक रुपया जोड़कर हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन बिल्डरों के पेट में भर दिया गया, और ये बिल्डर उस पैसे को गवर्न कर गए, और आज 10 15 20 सालों से कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, या खड़े हुए हैं देश के अंदर, और मांग रहे हैं कि हमारा घरौंदा कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हमारी झोपड़ी कहाँ है, हमारा मकान कहाँ है, हमारा फ्लैट कहाँ है। और ये जो नेताओं का संरक्षण, पुलिस का संरक्षण, अधिकारियों का संरक्षण लेकर ये जो आ जाते हैं बिल्डर और पैसे की लूट मचा रखी है, बहुत परेशानी है। और देखिए कितने लोग हैं, ये सारे नोएडा से, मोस्ट ऑफली नोएडा से हैं, गुड़गांव से भी हैं, यूपी से भी हैं। कहाँ कहाँ से, एक बार बताइए। मैं दिल्ली से हूँ सर। आप कहाँ से? नोएडा से। गुड़गांव, गुड़गांव से। दिल्ली, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा, नोएडा से आए हैं। गुड़गांव, नोएडा से आए हैं। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा। नोएडा, नोएडा, मुजफ्फरनगर से। ऐसा कोई शायद कोना नहीं है एनसीआर का जहाँ से यहाँ लोग उपस्थित नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर एक एक करके लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा। ये जो देश के अंदर कहते हैं ना, अच्छा ये आपके पास आता हूँ गुलशन जी, ये जो देश के अंदर ये चल रहा है, ये कहते हैं रेरा आ गया, क्या रेरा आ गया? कुछ हक और अधिकार मिला आपको? जी नहीं, हमें रेरा से कोई सहयोग नहीं मिला, हमें रेरा से कोई भी, हमारा जो परेशानी थी कोई भी दूर नहीं हुई, बल्कि दूर होती गई। होम बायर्स करे पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, जगह जगह पर भ्रष्टाचार है हर जगह पर, और उसका फायदा बिल्डर्स उठाते हैं और होम बायर्स सफर करते हैं। आज हमें 14 साल हो गए, 95% पेमेंट हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट सभी, और हमें पता नहीं है अभी कब मिलेगा। ये एक नहीं, हम 26,000 बायर्स की हालत है, जो हमारा ये ग्रुप है इसमें 12 प्रोजेक्ट हैं, और सारे जो 26,500 बायर से ज्यादा इसके सफरर हैं, भुक्त भोगी हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि सरकार जागे और ऐसे कानून बनाए जिससे कि हमारी आवाज पहुंचे और हमें जल्दी राहत मिले। कानून है लेकिन उसका फायदा नहीं होता है, उसका फायदा बिल्डर्स को होता है, चोरों को होता है, नॉर्मल जो सफर करता है उसको नहीं होता है। दो पूरे के पूरे टावर गिरा दिए गए जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, किस तरह से भ्रष्टाचार था, किस तरह से इलीगालिटी थी, लेकिन पैसा किसका फंस गया? पैसा तो उन्हीं लोगों का फंसा जो आप जैसे लोगों का फंसा, भाई गिरा दिया तो क्या गिरा दिया, लेकिन आपको कब रिकवरी मिलती है? क्या उन लोगों को भी पैसा मिला? क्योंकि उसमें से कुछ बिल्डिंग तो सुपर टेक की भी थी, शायद दोनों टावर सुपर टेक के ही थे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सुपर टेक के। हमारे प्रोजेक्ट में सुपर टेक के ऊपर 25-26 से ज्यादा FIR है। अभी पिछले 2 हफ्ते में हमने इकोनॉमिक ऑफेंसिंग में FIR की है, पुलिस कमिश्नर नोएडा के यहाँ FIR की है। इतनी FIR और कंप्लेंट होने के बावजूद, सबको पता होने के बावजूद, हमें कुछ राहत नहीं। खुला घूम रहा है, खुला घूम रहा है, हर मीटिंग में जाता है, नोएडा अथॉरिटी में CO के सामने बैठा रहता है, हमें वहाँ अप्रोच नहीं है, हमसे पहले वो बैठा मिलता है, तो हम किसके पास जाएं? किसके पास जाए रस्तोगी जी, क्या लग रहा है कि ये तो एकदम ऐसे है कि चोरी और सीना चोरी? देखिए इसमें हम लोग कोशिश है, हम लोगों का पूरा प्रयत्न है कि हम लोग अपनी आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं, और हम ये जितने भी यहाँ पे होम बायर हैं, ये पिछले 5 साल से NCLAT में, कंज्यूमर फोरम में, NCLAT कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ चुके हैं, और अपने जो घर के इंतजार में तरस रहे हैं। पिछले 15 साल में सुपरटेक ने ना तो लोगों को घर दिया है, और होम बायर से 95% पैसा ले चुका है,
ना तो होम बायर को घर मिला, ना बैंकों को पैसा मिला, ना अथॉरिटी को पैसा मिला, तो आखिर ये पैसा गया कहाँ। इसीलिए हमारी सरकार से और सारे अथॉरिटी से निवेदन है कि इनका एक फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और पता किया जाए कि ये पैसा गया कहाँ। क्योंकि ये हमारी मुख्य मांगे हैं, पहले सुपरटेक का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और इसमें एनबीसीसी को इंक्लूड किया जाए, सुपरटेक मैनेजमेंट का पूरा रिमूवल हो और आर के अरोड़ा मोहित अरोड़ा और योगे का इनका नीतीश अरोड़ा की गिरफ्तारी हो। होम बायर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग होम बायर है उन पे कोई भी बर्डन ना लगाया जाए, एनबीसीसी होम बायर फ्रेंडली प्लान लेके आए जिससे सभी गांव होम बायर को उनका घर मिल सके और जो इसमें बची हुई इन्वेंट्री है उसको वो सेल करके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करे। हमारी सरकार से ये भी निवेदन है, क्योंकि एनबीसीसी बोल रहा है कि वो इंतरिम फंडिंग नहीं कर पाएगा, तो हमारा सरकार से निवेदन है स्वामी फंड से इसमें फंड हमें दिया जाए ताकि जो रुका हुआ प्रोसेस है वो शुरू हो जाए और लोगों को घर मिलने की आस बढ़े और इसमें एक ये कड़ी जुड़ जाए कि हाँ इंतरिम फंडिंग से लोगों को और एनबीसी को भी सहयोग मिलेगा। प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग आ जाएंगे, देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में आज जो बायर हैं या जो फ्लैट वाले हैं वो आए हैं। कितने कितने प्रोजेक्ट है, कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट? सुपरटेक के यहाँ पे 12 प्रोजेक्ट है जिसमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुड़गांव, मेरठ और बेंगलुरु के भी प्रोजेक्ट है। जिसमें अगर मैं बोलूँ तो नोएडा से रोमैनो है, केप टाउन है, रोमैनो है, आपका नॉर्थ आई है, केप टाउन है, ग्रेटर नोएडा से इको विलेज 1, 2, 3 और सिजार है, और यमुना एक्सप्रेसवे पे अप कंट्री है, गुड़गांव से अरावली हिल टाउन है, बेंगलुरु से मिकासा है और ग्रेटर नोएडा से ही स्पोर्ट्स विलेज भी है। तो कुल मिला के ये 12 प्रोजेक्ट है जिसमें एक बेंगलुरु से मिकासा है और गुड़गांव से अरावली और हिल टाउन है। तो टोटल ये 12 प्रोजेक्ट है जिसके रफली 30,000 के आसपास बायर है जो पिछले 15 साल से सफर कर रहे हैं, जिनको घर मिला है वो भी आधी अधूरी सोसाइटी है। वहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे वाईजी एस्टेट लोगों को लूट रहा है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले इको विलेज 2 में एक पानी में इश्यूज हुए थे, वहाँ पे रफली 300 से 500 लोगों को बीमार भी हुए थे। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग इन पे आवाज उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारा सहयोग दे। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे लोग हैं, कितना बड़ा स्कैम हो सकता है ये, क्या लगता है कितना कितना है, कितने हजार करोड़ का ये? कम से कम हमारी कैलकुलेशन है 10,000 करोड़ से ऊपर का स्कैम है ये, जो कि साइफन ऑफ किया है 10,000 करोड़। और अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो पता नहीं ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियल स्टेट स्कैम निकल के आएगा। लेकिन सरकार ऐसी है जो 5 साल से 10 साल से हम कम से कम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा है, पुलिस कंप्लेंट, FIR सबको दबा दिया जा रहा है। और सुपरटेक के डायरेक्टर्स को अभी 6 महीने पहले ही मेडिकल बेल को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसको रेगुलर बेल भी मिल गई। क्या लग रहा है कि ये जो बिल्डर्स हैं इनको किसी चीज का डर नहीं है, ना कानून का डर है, ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना पुलिस का डर है, ना अथॉरिटी का डर है, कौन सी ताकत है जो इनको सहारा दे रही है, क्या लगता है? सर पैसे की ताकत सबसे बड़ी ताकत है जो इनको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया हुआ है। पैसा फेंको और सारे सब चीजों को दबा दो, होम बायर से लूटो। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं गरीबों को घर देंगे, लेकिन जो होम बायर्स अपने खून पसीने की कमाई से पैसा दे के टैक्स पे करके अपना घर खरीद रहा है, उस पैसे से हम अपना घर खरीद रहे हैं, हमें वो घर नहीं मिल रहा है। इतना लोग इधर सर सरकार की एक योजना है, जहाँ झुकी वही मकान। आज यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं इनकी बदकिस्मती है कि ये झुग्गियों में नहीं रह रहे, नहीं तो अपना पास मकान होता। अच्छा, हमारी बदकिस्मती है सर, उनको भी नहीं है। सर देखो योजना तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिला होगा, चाहे आश्वासन ही मिला, हमें तो सरकार ने आश्वासन भी नहीं दिया। हमारे को तो आश्वासन भी नहीं है। आज 10 साल से हम योगी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, हम मोदी जी के हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें मकान दिए जाए। हमें मकान देना तो दूर, कोई हमसे मिलता भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी बात रही, अरोड़ा जी को इन्होंने बेल दे दी, राम रहीम को बेल दे दी, जितने ये बलात्कारी हैं, चोर उचक्के, इनको तो बेल दे रहे हैं। अरे हमें जेल भेज दो उनकी जगह, हमें उनकी जगह जेल भेज दो, कम से कम हमें रहने के लिए छत तो मिलेगी, खाना तो मिलेगा जनाब। हमें क्या करना है बाहर यहाँ पे धरनों पे आके बैठ के, क्या लेना हमें धरनों पे आके बैठ के? आज छुट्टी का दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं,
हम लोगों सारे भाइयों को कोई मंदिर जाना है, कोई परिवार के साथ शॉपिंग करने जाना है, आगे फेस्टिवल टाइम हम आगे बैठे यहाँ पे प्रदर्शन में, हमारी शक्लें क्या प्रदर्शन करने वाली है क्या? हम लोग ऐसे लगते हैं कि हम लोग प्रदर्शन करने वाले, ये हमारा दुख है जो हम बयान कर रहे हैं। हम अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। हमें सरकार से अपनी जो टैक्स पेड मनी है उसके लिए भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें हमारा मेहनत का पैसा जो हमने सुपर टेक को दिया था, बिल्डर्स को देते हैं, वो हमें वापस दो, हमारा घर हमें वापस दो, हमें घर दिलवाओ। तब भी सरकार है 10 साल से कुछ भी वो सुन नहीं रही है। इस पेमेंट अभी अभी भी लिया है। अभी आपने जो दो बातें बताई, एक तो रेरा जो है उसने सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की मदद की है। यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोगों के पास रेरा के ऑर्डर है। जब वो रेरा का ऑर्डर लेके, अभी नहीं 2017-18 में भी जब हम लोग सुपरटेक में गए थे तो सुपरटेक के एम्प्लॉयज ने इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था उस ऑर्डर के लिए, यानी कि उन लोगों को बिल्कुल भी रेरा के ऑर्डर का या किसी भी ऑर्डर का, सरकारी ऑर्डर का कोई डर नहीं है। इसका एक कारण है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। ये जो 10,000 करोड़ का स्कैम बता रहे हैं, ये योगी, ये तो एक सुपरटेक का हो गया। ये आरके अरोड़ा ने अकेले नहीं खाया है, अमरपाली भी बहुत सारे, ये बिल्डर अकेले नहीं खा रहे हैं। इसका पैसा सरकार को भी जा रहा है, विपक्ष को भी जा रहा है। जहां जहां पे लोग समलैंगिक विवाह को भी इतना ज्यादा एस्केलेट कर देते हैं, वहां पे इतने 26,000 लोग क्योंकि खून पसीने की कमाई, एक आदमी देखिए 30-40 लाख रुपए एक नेता के लिए हो सकता है कि एक छोटा सा घूस हो, 5-10 मिनट की कमाई हो, एक IAS अधिकारी के लिए हो सकता है कि 5-1 सिग्नेचर की कीमत हो, पर हम लोगों का आधा जीवन बीत जाता है जब हम 35-40 लाख रुपए कमाते हैं। हम लोगों के आधे जीवन की कमाई लूट ली गई है और कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, न सरकार, न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, किसी को कुछ नहीं कहना है। और यहाँ पे लोगों के पास ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने के लिए, सभी लोग सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष हो, ऐसे मुद्दे जिनका कोई सर पैर नहीं है। मैं अभी पिछले 2 साल पहले समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों के लिए सरकार और विपक्ष दोनों के पास समय है, कोर्ट के पास समय है, लेकिन ये 26,500 लोगों के लिए सरकार के पास भी समय नहीं है, कोई समय नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार ने हमसे इस पे टैक्स लिया है तो उनको इसका टैक्स लेने का क्या अधिकार है कि अगर वो हमारी बात की सुनवाई नहीं कर सकते? उन्होंने हमसे वैट लिया, हमारे जो मटेरियल्स लग रहे हैं उनके ऊपर वो GST ले रहे हैं, हर तरह के टैक्स हमारे से वसूले जा रहे हैं, हमसे इनकम टैक्स लिया है जो हमने पैसा उनको दिया है, हर तरह के हमसे टैक्स गवर्नमेंट वसूल सकती है, उसके बदले हमें दे क्या रही है? हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, ये आश्वासन भी नहीं दे पा रही। मेरा इसमें ये कहना है कि अगर आप देखें यहाँ पे 26,000 होम बायर की फैमिलीज है जो 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोगों के सपनों का मर्डर किया है आरके अरोड़ा ने। अगर हम बोलते हैं कि किसी एक मर्डर की सजा फांसी है तो आप ये सोचिए कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के सपनों का जो मर्डर हुआ है यहाँ पे उसकी सजा क्या होगी? मारी दिया अगर उनके जीवन की कमाई लूट ली। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कुछ जिनका हम जब आए हमने उनको श्रद्धांजलि भी दी, जो अपने घर का इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार गए, उनका क्या? आज जो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं ताकि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है लोग उसका कुछ समाधान निकले, लोगों को अपना घर मिले। और ये हमारी आज की लड़ाई हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक उदाहरण साबित होगी कि हम जब हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा था हम चुप नहीं बैठे थे, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन की अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अगर हम तुलना करें भगत सिंह से, भगत सिंह जी ने जब उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई ली तो उनको ये नहीं था कि वो आजाद भारत में जी पाएंगे, बट उनको ये था कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक आजाद भारत में जिए। उन्होंने अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस किया। तो आज हम जो अपना यहाँ टाइम और ये रिसोर्सेज डिवोट कर रहे हैं वो इसीलिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने घर में जी सके और अपनी घर की चार दीवारी में, अपने घर में वो हम तरस रहे हैं कि अपने बच्चों को अपने घर में खेलता हुआ देखने के लिए। हमारे पास ना घर है ना छत है, रेंट पे भी रह रहे हैं, EMI दे रहे हैं, टैक्स का भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये मिडिल क्लास होम बायर की आज प्रधानमंत्री जी से यही विनती है कि आप सबके लिए घर की बात करते हैं, हम जो होम बायर हैं जो अपने पैसे से घर ले रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए और जो पैसा साइफन किया गया है उसको कंस्ट्रक्शन के लिए लाइए, NBCC को बोलिए, स्वामी फंड को लाइए, बट हमें हमारा घर दिलाइए। हमारा घर क्या कहेंगे? देखिए ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट भी एक ही काम करना चाहती है कि वो लॉज बना देना चाहती है कि जो ऐसा हुआ आगे ऐसा ना हो। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम बफल रहे हैं ये देख करके कि एक लॉ रेरा बनाया, रेरा के थ्रू हमें कंपनसेशन के ऑर्डर मिल गए, फिर दूसरा लॉ बना दिया CIRP,
कि भाई अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्लॉज एक्टिवेट कर दिया तो जिस जिसके पास रेरा के ऑर्डर है किसी को उसकी पेमेंट नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिली। तो यानी गवर्नमेंट का एक लॉ गवर्नमेंट के दूसरे लॉ को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, या जानबूझ के तो नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट को अपना अपना होमवर्क ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, कि इतने लोग सफर कर रहे हैं और आपके लॉज में लूप होल्स का फायदा उठाकर बिल्डर उठा रहा है फायदा। हम लोग तब से खरीद रहे हैं, इधर आप आगे आइए, यहाँ आ जाइए। देखिए मेरा एक क्वेश्चन है, इधर देखिए, मेरा सिस्टम से एक क्वेश्चन है। आईआरपी न्यूट्रल बॉडी होता है, आईआरपी न्यूट्रल बॉडी होता है। हम सब होम बायर्स कह रहे हैं कि एनबीसीसी को लाओ, ठीक है। आईआरपी एफिडेविट दे रहा है कि होम बायर्स चाह रहे हैं कि एनबीसीसी ना आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, कोर्ट में झूठा एफिडेविट देना। क्या सरकार आईआरपी को हटाएगी? क्या सरकार आईआरपी को सजा देगी? क्या एनक्लेट इसका संज्ञान लेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि रेरा के ऑर्डर 2019 में हमारा ऑर्डर आया वो रेरा का, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए, वो पैरा ओलंपिक में बिजी है सुहास साहब, और योगी जी को अप्रोच किया उसके थ्रू, ऐप के थ्रू। उन्होंने कहा कि कोर्सिव एक्टिविटी ना की जाए इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? बिल्डर के खिलाफ। अरे भैया परेशान बायर है कि बिल्डर परेशान है? बिल्डर तो मौज काट रहा है, बिल्डर मौज काट रहा है। 2019 का ऑर्डर रेरा का अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो हमें कोरोना से पहले ही पैसे मिल जाते 54 लाख रुपए। रेरा को टूथलेस टाइगर बना के छोड़ा हुआ है। अभी कल ही जज साहब ने जो हरियाणा में रेरा में गुड़गांव में जज है, उन्होंने अपना हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि टूथलेस टाइगर है हम लोग। 700 से ज्यादा मैंने अरेस्ट के ऑर्डर करे हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक पार्किंग स्लॉट बना दिया है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, रेरा में अधिकारियों को बनाने के लिए। ये रेरा आई वॉश है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, सब बेकार है ऑर्डर्स। हम जनता परेशान है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, सारा क्या कहते हो? सारा सिस्टम। देखिए ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्रिया किया गया कृत्य नहीं है, इसमें जो अगर बिल्डर है सरकार भी है और आपका थोटी भी है। हम चाहिए विगत सरकारों का आदेश हो जिसमें आपने 10% पैसा लेके बिल्डर्स को जमीन दे दी, उसके बाद बिल्डर ने आपका पैसा नहीं दिया। अगर बिल्डर ने आपका पैसा नहीं दिया तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? उसकी वजह से आपने लोगों की रजिस्ट्रियां रोक दी, लो टावर्स को OCCC नहीं मिल रहे हैं, होम बायर हर जगह सफर कर रहे हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन ये है कि पिछली चीजों को अगर हम ये उठाएं कि ये कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ वो एक अलग बात है, बट सबसे पहले ये कि होम बायर को न्याय मिले और होम बायर की जो परेशानियां उनका ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यही चाहते हैं कि होम बायर को रिलीफ मिले, उसके लिए NBCC आए और सरकार उसको अंतरिम फंडिंग करे, और बाकी जिस तरह से भी जो भी इसमें NBCC के प्रपोजल में कमियां हैं वो NBCC से उन कमियों को अपने दूर करके NCLT में अपना प्रपोजल दोबारा से सबमिट करें। जंतर मंतर पे हजारों लोग आते हैं, हजारों आंदोलन होते हैं, लगातार लोग आते हैं, मांगते क्या है वो सरकार से कुछ फेवर मांगते हैं, सरकार से कुछ चीज मांगते हैं, सरकार से कोई स्कीम मांगते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग जंतर मंतर बिरले ही आए हैं जो सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा जो छीन लिया गया है, हमारा जो लूट लिया गया है वो वापस करा दो, और इस लूट में सब शामिल हैं, इस लूट में नेता, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जज, कोई नहीं बचा है। क्योंकि अगर इन सबके रहते हुए, सिस्टम के रहते हुए अगर जो अपराध करने वाले हैं वो खुला घूम रहे हैं और ये लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, आक्रोशित हैं और परेशान हैं कि हमारे हक की कमाई लूट ली गई, 30,000 के करीब लोग बता रहे हैं, 26,000 से 30,000, क्या इस देश के अंदर अब किसी आदमी के जीवन भर की कमाई इस तरह लूटी जाएगी? तो फिर काय का सिस्टम, काय की सरकार, काय का न्याय और काय का लोकतंत्र? आपको क्या लगता है? हाईकोर्ट रेरा के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश भी है, उसको भी जिला कलेक्टर नोएडा के ऑफिस से पहुंचाया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आप ये देख लीजिए कितना नेक्सस है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी वो खा गया, रेरा के ऑर्डर को भी खा गया, NBCC को लाने नहीं दे रहा, NCLT में 3 साल से लोग चक्कर काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा हम लोगों को। हमारी तो अपील ये है कि आप कुछ नहीं है, सिर्फ NBCC को लाया जाए और हमारी जो मांगे NBCC से पूरी कराई जाए और हमारा फ्लैट दिलवाया जाए। क्या कहेंगे? हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें देश के लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया से ये अनुरोध है कि हमारी आवाज पूरे देश में
भेजे और हमें वो सहयोग प्रदान करेंगे सो देट कि हमें हमारा मकान मिल पाए। सुपर टैक की जो ये धांधली है ये 10,000 करोड़ की धांधली नहीं है, ये इससे कई ज़्यादा बड़ी धांधली है। इसमें बैंक अधिकारी सरकारी तंत्र और सुपर टैग ने मिलके एक प्लान बनाया और हम जैसे भोले वाले लोगों को मिलके अपने उन हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारी सारी पूंजी लेके और वो सारा का सारा पैसा बैंक से निकाल के और कहीं कहाँ डाइवर्ट किया उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध है देश के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मीडिया से। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि देश के अंदर बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है, व्यापार करो, लेकिन व्यापार की आड़ में लूट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये जो व्यापार किया गया बिल्डर्स के द्वारा, इसके आड़ में जो इतनी बड़ी लूट हो गई, इनके घर की गाड़ी कमाई लूट ली गई, ये आपत्तिजनक है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको क्या लगता है कि क्या अब सरकार जागेगी, क्या इनको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी? क्योंकि 15-20 साल अगर हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की तो जान चली जाएगी, बहुत सारे लोग को मानसिक बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारे लोग पूरा उनका जीवन का जो कुछ और कमा लेते, कुछ और कर लेते, कहीं और दिमाग लगा लेते, 90% दिमाग तो इसी में लग जाएगा उनका, तो उनका पूरा करियर बर्बाद, उनका घर बर्बाद, परिवार बर्बाद। तो ये इनडायरेक्टली हजारों लोगों पर सीधा सीधा एक तरह की प्रताड़ना है, एक तरह की जेल है, एक तरह का उनको उनको दंड देना है जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन ये जो बिल्डर लोग हैं, इंसॉल्वेंसी करने के बाद ये लोग ये सोचते हैं कि हम तो बच गए। आईआरपी ने कोर्ट में लिखित दिया है कि 9000 करोड़ इसमें से गायब है इनके अकाउंट में से, तो एनसीएलटी कोर्ट ने अभी तक ऑडिट कराने के लिए क्यों डिसीजन नहीं दिया गया? ये साफ साफ कह रहे हैं कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद।